बीजेपी के प्रवक्ता विजय जी का एक कमेंट ले लेती हूँ। विजय जी, जयप्रकाश जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि एक सबसे मजबूत आधार ये है कि कुलदीप ने वहां की जनता को धोखा दिया है, इसलिए कुलदीप को या भव्य विश्नोई को जनता इस बार नहीं चुनने वाली है। देखिए, जेपी जी को 2009 के बाद का अब तक का आदमपुर की जनता को हिसाब देना होगा। जो जो कारनामे उन्होंने 2009 में किए, उसका आदमपुर की जनता इस चुनाव में हिसाब किताब लेगी। और कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है। अभी इनका उम्मीदवार जो कांग्रेस की अभी तक टिकट मांग रहा था, आज वो इनेलो का उम्मीदवार हो गया है। आज निश्चित रूप से पार्टियों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि इस समय भव्य विश्नोई नहीं, ये तो आप पे भी लागू होता है ना, ये तो आप पे भी लागू होता है। देखिए, पहले एक मिनट समझिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद, और उन्होंने नीतिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला करा और भव्य बिश्नोई जी को टिकट दिया। और भव्य बिश्नोई जी जब पार्टी के अंदर है और युवा है, बड़े प्रभावशाली है और निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। और मैं ये कहूं कि चौधरी भजन लाल जी का रिकॉर्ड वो तोड़ने वाले हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से अब आदमपुर के अंदर सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। आदमपुर की जनता देख रही है कि कौन कौन प्रत्याशी कहां कहां से किस किस पार्टी से आया है। और निश्चित रूप से जब सभी प्रत्याशी सामने आ जाते हैं तो जनता को फैसला करने में और अपना मन बनाने में आसानी हो जाती है। आज आदमपुर की जनता जो काफी समय से सत्ता के साथ रही है, अब उनको फिर सत्ता के साथ आने का मौका मिल रहा है। और निश्चित रूप से आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई को बहुत अधिक मतों से जिताएगी। और जिताए भी क्यों ना, क्योंकि उनके परिवार का बहुत ज्यादा काम आदमपुर क्षेत्र में हुआ हुआ है। और निश्चित रूप से और आदमपुर विकास की ओर बढ़ेगा, आदमपुर के अंदर और ज्यादा विकास होगा। और निश्चित रूप से आज कांग्रेस का हाल भी आपने देख लिया, को उनको भी बाहर से कैंडिडेट उठा के लाना पड़ा, हिसार से आदमपुर से कोई कैंडिडेट नहीं मिला। और हैवी वेट कैंडिडेट कह रहे थे, तो हैवी वेट कैंडिडेट तो और इससे बड़ा भी था, तो उसको भी उतार लेते मैदान में तो और ज्यादा रोमांचक होता। अब जो चुनाव है, निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस इनेलो की अपनी प्रतिस्पर्धा है। इनेलो ने कांग्रेस का कैंडिडेट उधार ले लिया। अब इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई बहुत ज्यादा आगे हैं। अब तो कौन दूसरे तीसरे नंबर पे रहेगा, इसकी लड़ाई है, वो लड़ाई लड़े। अच्छा, आपका मुकाबला किससे होगा ये बता दीजिए, फिर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाती हूँ। आपका मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला में तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता ने फैसला ले लिया कि हमारे मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है। दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई ये अपना कांग्रेस इनेलो वाले कर रहे हैं, इनके वर्चस्व की लड़ाई है, ये लड़े। और निश्चित रूप से इन्होंने मान लिया है कि भव्य बिश्नोई बहुत अधिक वोटों से यहाँ पर जीतने वाले हैं, ये तो स्वीकार ये कर चुके हैं। और कैंडिडेट का सिलेक्शन भी आपने देख लिया। और निश्चित रूप से जब चुनाव शुरू होगा, आपको बहुत बड़ी लीड के साथ भव्य बिश्नोई जीतते दिखेंगे। और आदमपुर की बहुत समझदार जनता है और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ज्यादा मजे हुए लोग हैं। ठीक है विजय जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी।